नंबर चार तो जहन्नम से नजात का जरिया है अगर आदमी जहन्नम से बचना चाहता है तो उसके लिए तोहीद जरूरी है गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाए भी तब भी निकलने के लिए उसके पास तोहीद होना चाहिए तोहीद नहीं जहन्नम में हमेशा रहेगा तोहीद है गुना भी हैं गुना की वजह से गया भी तोहीद की वजह से बाहर आएगा

नसीब होगी तो क्या होगा फयुख रजून जहन्नम से निकाले जाएंगे किस वजह से निकाले जाएंगे उनकी तोहीद की वजह से तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर तोहद वाला जहन्नम में चला भी जाए तो तोहद की वजह से जहन्नम से निकाला जाएगा और बमा यवुलदीन कफ़रु लौकानु मुस्लिमीन एक वक्त आएगा कि मशरकिन कुफर करने वाले इस बात की तमन्ना करेंगे कि हम मुसलमान होते हैं इस आयत में अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने बतलाया कि एक वक्त आएगा वो तमन्ना करे हम मुसलमान होते हैं इसके बारे में इबिनब आसिम की एक रिवायत है हदीस में हदीस की किताबों में असन्ना में उन्होंने उसको रिवायत किया है कि लात और की इबादत करने वाले ईमान वालों से तोहद वालों से उनको ताना देंगे जहन्नम में कहेंगे तुम्हारे ला अला का क्या फ़ायदा हुआ तुमको हमारे साथ तुम भी तो जहन्नम में आ गए तोहद वाले थे तुम तुम भी जहन्नम में आ गए ताना देंगे उनको अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं ये बात अल्लाह ताला को इस बात पर बहुत गुस्सा आएगा मेरे तोहद वाले बंदे उनको ताना दे रहे तोहहीद की वजह से गोया कि ये न सिर्फ उनकी तहकीर है बल्कि तोहहीद की भी तहकीर है क्या काम ही तोहहीद यानी तोहद काम नहीं आती अल्लाह ताला उनके इस्ताना देने की वजह से उनने ईमान वाले बंदों को जो कि गुनाहगार थे उनको जहन्नम से निकाल देगा सारे तोहहीद वालों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा अब जब वो लोग देखेंगे कि तोहद की बुनियाद पर इनको निकाला गया है कहेंगे काश हमारे पास भी यह कलीमा होता कि आज हम जहन्नम से निकाले जाते हैं लेकिन उनके पास वो कलीमा नहीं है इसलिए वो हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे तो इस हदीस से भी ये बात मालूम होती है कि अहल तोहीद को उनकी तोहैद की बुनियाद पर जहन्नम से निकाला जाएगा लिहाजा ये बहुत अहम कलीमा है और ये बहुत अहम अक़ीदा है